हाँ तो भैया, क्या हाल चाल? जय श्री महाकाल। आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं गाड़ी सेल। अब अपने को नॉर्मली गाड़ी सेल करनी होती है तो अपन क्या करते हैं, किसी डीलर को बोल देते हैं या डीलर के यहाँ रख देते हैं गाड़ी की। हाँ भैया, इसको सेल करना, ओएलएक्स पर डाल देंगे। अपने परिचित उनको बोल देंगे, भैया ऐसी गाड़ी अपने को बेचनी है, तो अगर आपके पास कोई आए खरीदने वाला जिसको खरीदनी हो तो अपने को बेचनी और सामने वाले को खरीदनी हो तो ऐसी बात करा देना। नॉर्मली यही करते हैं, लेकिन आजकल क्या, आजकल आ गए नए नए प्लेटफॉर्म, जैसे कि अपना स्पिनी हो गया, Cars24 हो गया, ये लोग क्या करते हैं कि अपन से गाड़ी खरीदते हैं और आगे गाड़ी बेच देते हैं। तो आज की वीडियो में अपन क्या करेंगे, आज जानेंगे इनका पूरा प्रोसीजर और मेन बात इनके रेट, कि ये अपने को मार्केट से कम रेट देते हैं, मार्केट के रेट देते हैं या मार्केट से ज़्यादा रेट देते हैं। अपने को क्या है, देखो मैं बताता हूँ आपको, ये अपनी अल्टो खड़ी हुई है, ठीक है, अपने को बेचना है इसको। तो मैंने सोचा कि इसमें बेचना तो है, अपने को बेच भी देंगे अपन, लेकिन जो स्पिनी हो गया, Cars24 हो गया, इनका एक एक्सपीरियंस भी लेके देखते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है। इनसे मतलब इन पे बेचने में अपने को कुछ ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं या कुछ एफर्ट्स कम लग रहे हैं, मतलब क्या पूरा मामला क्या है ये समझते हैं एक बार। ये जो नया प्लेटफॉर्म आया तो मतलब कुछ तो होगा, अपना काम आसान कर दे या फिर अपने को अच्छे रेट दे दें। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार इनको करके देखते हैं यूज़। तो अपने को क्या, इसके लिए अपन को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और फिर जो भी इनका पूरा प्रोसीजर रहेगा वो मैं आपको एक एक बता दूंगा। वैसे दोनों का तो एक ही रहेगा, क्योंकि दोनों आएंगे गाड़ी इंस्पेक्ट करेंगे या फिर अपने को जहां ले जानी पड़ेगी वहां पे इंस्पेक्ट करेंगे। उसके बाद जो रेट आएगा, मेन बात रहेगी रेट की, कि रेट कितने मिलते हैं, अपने को मार्केट के रेट मिलते हैं, मार्केट से कम मिलते हैं, मार्केट से ज़्यादा मिलते हैं। अगर अपन, मेन बात यह है कि अगर अपन इन पर बेच रहे हैं तो इन पर बेचना ज़्यादा अच्छा है, मतलब स्पिनी कार, अपना Cars24 इन पे बेचना ज़्यादा अच्छा है या फिर जो अपने अपने परिचित में दे दो या लोकल को दे दो या डीलर को दे दो, वो ज़्यादा अच्छा है। मेन जानना इस वीडियो में अपने को ये है। तो चलो देखते हैं अपन कि क्या पूरा प्रोसीजर निकलता आखिरी में, और मैं आपको पूरा प्रोसीजर भी बता दूंगा कि किस तरीके से उन्होंने क्या चीज़ चेक करी है, क्या रेट मिले। तो चलो अब मिलते हैं अपन, पहले रजिस्ट्रेशन कर लें उसके बाद फिर मिलते हैं। हाँ तो भाई, मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उस पर जाके अपना Cars24 स्पिनी पे अगर आप ऐप पे भी जाओगे उसके बाद अपनी गाड़ी की डिटेल बिटेल डालोगे तो उसके बाद है ना थोड़ी देर अगर आप छोड़ देते हो ना तो ऑटोमेटिकली वहाँ उनके सर्वर में चले जाता अपना डाटा, तो वो खुद ही फ़ोन लगा लेते हैं और बोलते हैं कि आपको ये गाड़ी कोई सेल करनी है। तो अपने पास फ़ोन आ गया था तो मैंने उस पर अपनी गाड़ी की डिटेल दे दी। अपने को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी कि गाड़ी की डिटेल डालो ये सब, तो उनका वो उन्होंने खुद ने ही अपना इंस्पेक्शन वो बुक भी कर दिया। अब वो किस तरीके से मैं बता दूँ, दो तरीके से हुआ है। एक था अपने घर पे आने वाला, मतलब जहाँ पे आपकी गाड़ी खड़ी वहाँ पे आएगा उनका बंदा, या फिर उनका जो पॉइंट रहता है, जो भी उनका ऑफिस रहता है, उधर जाके अपने को एक ऑप्शन था। तो मैंने बोल दिया कि आप घर पे भेज दो। अब मेरे केस में क्या है, इस पर कोई चार्ज नहीं लगा है, लेकिन हो सकता है आपके इसमें चार्ज लग जाए, क्योंकि इसमें चार्ज था, लेकिन अब पता नहीं भाव महाकाल की कृपा से अभी तो नहीं लगा अपना कोई चार्ज, लेकिन लगता है, मतलब लग भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा, बाकी अपने केस में भी लगानी है। तो चलो अब देखते हो गाड़ी आते किस तरीके से इंस्पेक्ट करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी, वो तो सब मैं वीडियो में बताऊंगा जैसे कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने देखी है, कैसे क्या समझी और मेन बात आखिरी में क्या रेट आते हैं और मेरे कुछ क्या एफर्ट्स कम लगे। वैसे अभी कम तो हो गए कि सामने वाला आ रहा है गाड़ी देख के जा रहा है, अब अगर डील डन हो तो डायरेक्ट खाते में पैसे आएंगे। तो खैर समझते आगे क्या कैसी पिक्चर है, चलो देखते हैं फिर। तो भैया देखो, अपने Cars24 से भैया आ गए हैं, गाड़ी का अपना कलर पेंट चेक कर रहे हैं पहले तो, कि कोई डेंटिंग पेंटिंग वाला काम तो नहीं है। डेंटिंग पेंटिंग मतलब वही गाड़ी के ऊपर ऊपर और कलर तो नहीं हुआ है, तो इस तरीके से जगह जगह चेक कर रहे हैं। पहले तो पेंट पेंट चेक कर लिया उन्होंने, अब सारे इंजन चेक करेंगे। इंजन ऑयल चेक, अब जाएंगे हम टेस्ट ड्राइव पे गाड़ी चलने में क्या कैसी है समझेंगे। चलिए सर, अपने टेस्ट ड्राइव पे चल रहे हैं अपन। सर क्या क्या चेकअप करते हैं अपन, जैसे अगर सेल मतलब चेकअप में आपके इसमें टेस्ट ड्राइव में चेक होता है सस्पेंशन, क्लच, ब्रेक, इंजन परफॉर्मेंस, स्लिपेज, क्लच का प्रॉपर एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ें चेक हो जाती है। अच्छा, और एक्सटर्नल में अपना पेंट हो गया, फेंडर वेंडर क्या कैसे हैं ये सब, डेंट वेंट
ये खोलूं? एडजस्ट करूं और? हाँ तो भाई अपना इंस्पेक्शन हो गया है कंप्लीट। अब आपने जैसे वीडियो में देखा ही सही, उन्होंने पूरी गाड़ी का पेंट चेक करा, टायर चेक करे, इंजन की आवाज़ चेक करी, उसके बाद गाड़ी चला के चेक करी, एक्सीलरेशन कैसा है, क्लच प्लेट कैसी क्या है, उसके बाद एसी वीसी चला के चेक करा, डेंट चेक करे, टायर की कंडीशन चेक करे, मतलब जितने अच्छे तरीके से हो सकता था ना उतने अच्छे से। एक मैं बात बता दूँ आपको, मतलब अगर मैं भी होता ना, मैं तो क्या कोई भी कस्टमर हो जो गाड़ी खरीदना, वो भी इतने अच्छे से चेक नहीं करा जितने अच्छे से उन्होंने गाड़ी चेक करी। इतना अच्छा डीलर जो रहता है ना, वो भी चेक नहीं करता है गाड़ी, मतलब गाड़ी की मतलब हर डोर से पैनल अपने क्या कहते हैं वो रबड़ निकाल के चेक करना हुआ, मान गया हमने तो गाड़ी की चेकिंग को। अब उन्होंने अपने भैया ने बोला कि रेट आएंगे अपने एक दो घंटे में, जो कि अपने को ऐप में शो हो जाएंगे या फ़ोन आ जाएगा। तो चलो अब देखते हैं दो तीन घंटे में क्या अपने किस तरीके से क्या रेट आते हैं। लेकिन गाड़ी उन्होंने चला के एक नंबर से चेक करी, चेक करने में तो मैं इंप्रेस हो गया सामने वाले से, मतलब कंपनी से क्या मतलब चेक लिस्ट से गाड़ी चेक करी इन लोगों ने। चलो अब रेट आते हैं, मैं आपको बताता हूँ दोनों के क्या रेट आते हैं, मार्केट के रेट आते हैं, मार्केट से ज़्यादा रेट आते हैं, मार्केट से कम रेट आते हैं, चलो वो आपको आगे बताता हूँ मैं। हाँ तो भैया अपने आ गए हैं रेट अपने कास्ट 24 से और एक्सपीरियंस दोनों से। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें रेट की, कन्वीनियंस की और ओवरऑल एक्सपीरियंस की, कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा क्या रहा, तो पहले यहाँ मैं कन्वीनियंस की बात कर लेता हूँ कि मेरे को कितना सहूलियत मिली। तो अगर मैं सहूलियत की बात करूँ तो हाँ ये कि ज़्यादा अपने को हेडेक नहीं करनी पड़ी, एक बार गाड़ी दिखा दी अपन ने, सामने वाले ने रेट दे दिए और बस काम खत्म। यहाँ पर अपने को ज़्यादा भगना नहीं पड़ा कि दो बार दिखानी, तीन बार दिखानी, उस तरीके से मेरे को सहूलियत मिली। लेकिन अब जब मैं आ जाता हूँ वो रेट वाली बात पे, कि अपने को मार्केट के रेट मिले, मार्केट से कम रेट मिले या मार्केट से ज़्यादा रेट मिले, तो भाई साहब यहाँ पर मिले अपने को मार्केट से कम रेट, ठीक है। जो मेरी गाड़ी और जितना मार्केट जितना अपन ने समझा और अपनी सेम गाड़ी को जितने रेट मिल रहे, अगर मैं उसके कंपेयर करूँ मार्केट रेट से, तो यहाँ पर मिले अपने को कम रेट, ठीक है। तो अगर आपको रेट मैटर करते हैं तो आप बिल्कुल भाई साहब इस ऑप्शन पे अगर ट्राई कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे मिलेंगे अपने कम रेट। बाकी अगर आपको सहूलियत चाहिए, मतलब अगर बस टाइम नहीं रहता है, मतलब इतना दस बार किसी को गाड़ी दिखाओ, तो भाई साहब उस हिसाब से मेरे को ये चीज़ बढ़िया लगी कि एक बार अपन गाड़ी दिखाओ, सामने वाला रेट दे देता अपने को, उस रेट में अगर डील डन हो तो ठीक। और ऐसा नहीं कि एक जो रेट दे दिया उन्होंने वही रेट पर अड़े रहेंगे, उसके बाद आपको सात आठ बार, दो तीन बार ही, सात आठ बार फोन भी आएगा, बोलते हैं अगर सर आपको ये प्राइस नहीं जम रही है तो हम थोड़ा और एक्सटेंड करने की सोचते हैं, मतलब इंक्रीज करने की सोचते हैं, अगर आपको वो जमे तो वो देख लो। तो अगर जिसके पास टाइम नहीं है और उसको कन्वीनियंस ज़्यादा चाहिए, मतलब 10 बार की गाड़ी दिखाने के नाटक नहीं चाहिए, उसके लिए मेरे ख्याल से स्पिनी कार्स 24 बढ़िया है, क्योंकि ये लोग आप अपना नाम ट्रांसफर जो जितनी भी हेडेक देते हैं ना सब इनकी रह जाती है। हाँ बाकी मैं एक बात बता दूँ आपको यहाँ पर, कि जो ये अपने इंस्पेक्शन हुआ उसके बाद जो प्लेटफॉर्म ने मतलब जो चार्ज देता है, ये आपका डिडक्ट होगा गाड़ी बेचने के बाद, मतलब जैसे कि मैं जो अपनी वैल्यू है ये गाड़ी की, उसके बाद मेरे जो मैंने मेरे को जो वैल्यू मिली उसके बाद उन्होंने 6,000 रुपये और काट रहे उस वैल्यू में से, जिसमें अपना ये जो गाड़ी उन्होंने इंस्पेक्शन करा उसका चार्ज हो गया और जो प्लेटफॉर्म का चार्ज हो गया इस तरीके से। तो मैंने सोचा ये हुआ तो मैं आपको बता दूँ कि जो प्लेटफॉर्म का उसके बाद मतलब गाड़ी बेचने के बाद आपको और चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ये फ्री सेवा नहीं कर रहे आपकी, आप बेचो तो लगेगा और नहीं बेचते हो तो कोई चार्ज नहीं लगेगा फिर आपका। तो इस तरीके से भी अपना ये पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा। और अगर मैं अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ किस तरीके से रहा, तो मतलब बढ़िया था। अगर आपके पास अगर टाइम नहीं है तो फिर तो एक नंबर चीज़ है, आप अगर थोड़ा अपने प्राइसिंग में एडजस्ट कर सकते हो तो बढ़िया है, जाओ अपनी गाड़ी दिखाओ, एक रेट आएगा उसके बाद अगर आप थोड़ी बार्गेनिंग करते हो तो आपको बढ़िया रेट मिल जाएगा और आपको हेडेक की जरूरत नहीं, RC हो गया, नाम ट्रांसफर हो गया, इस तरीके वो सब खुद ही देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कन्वीनियंस चाहिए तो बिल्कुल इन प्लेटफॉर्म में कन्वीनियंस तो आपको मिलती है, लेकिन आपको प्राइसिंग चाहिए तो प्राइसिंग मेरे ख्याल से नहीं मिल पाएगी आपको। और अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बढ़िया है, आगे से फोन आते हैं अपने को, बकायदा हर चीज़ का अपडेट मिलता है अपने को, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मैंने आपको चार्ज का बता दिया कि इसके अंदर चार्ज लगता है, जो कि आप गाड़ी बेचते हो जब लगेगा आपको। तो भाई साहब ये एक छोटा सा अपना एक वीडियो थी कास्ट 24 और अपनी स्पिनी के ये जो प्रोसीजर होता है और किस तरीके से बिकती है और ओवर एक एक्सपीरियंस क्या होता है। तो अपन ऐसे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड गाड़ियों की वीडियो बनाते रहते हैं, अगर आपको गाड़ियों में इंटरेस्ट है तो अपने चैनल को लाइक शेयर कमेंट शेयर करें, और अपन ऐसे ड्रैग रेस क्वेश्चन करते रहते हैं तो आप जाइए अपने चैनल पर, अपने बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई रखी है तो और बहुत सारी गाड़ियों के रिव्यू इंप्रेशन दिए हैं, तो आप जाइए वो भी देखिए। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए अपने चैनल को लाइक शेयर कमेंट शेयर करें। अमिल तक वीडियो में, जब तक भाई साहब जय श्री महाकाल।